Hello viewers, I am your host Suman. Welcome to your Saral Math class. We will cover the topics of mathematics related to all possible competitive exams in a sequence of videos within this month. I am sure these videos will help you to achieve your career goals. Without ado, let's start. आजीर एही क्लास रे आमे जहाँ भी ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ी सॉरी ज्योमेट्री रो जहाँ भी कॉन्सेप्ट पढ़ी थी ले ता रिलेटेड प्रॉब्लम गुड़ी को करीबा चलो तो स्टार्ट करीबा फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन अच्छी फर्स्ट क्वेश्चन दे जी वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस एंड ए साइड ऑफ इट आर इक्वल इन लेंथ मीन से कहूँ गोटे ये जो रोम्बसटी सब साइड लेंथ एंड तार डायगोनल लेंथ सब जाक हूँ इक्वल मैंने समस्त ये सामान दर्घ्य विशिष्ट तो ये ए बी ए सी ए डी डी सी बी सी सब लेंथ हूँ इक्वल देन आमको पचार इफ द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 72 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हाट इज द पेरिमीटर एटी कहे जदि ए रोम्बसटीर एरिया बा क्षेत्रफल 72 रूट 3 सेंटीमीटर हुए सेंटीमीटर स्क्वायर हुए देन तार परिसीमा केते आसिब ए रोम्बसर परिसीमा केते आसिब आमे परिसीमा बाहर करिबा पाई हेले आमको रोम्बस चारिपट साइड रो लेंथ जाना थिबा दरकार रोम्बस जेहेतु माने सबु गुडीकर बाहुर दर्घ हो समान तेणुक आम गोटे यदि गोटे बाहर दर्घ आम निर्णय करदेबा देन आम तार पेरिमिटर बाहर करपरिबा ता पूर्व आमको ए जो जेहेतु डायगोनल एठी अच्छी डायगोनल टा मध्य इक्वल इन लेंथ अच्छी माने एठी डायगोनल टा ए पूरा रोम्बस टा को दुईटा त्रिभुज रे माने डिवाइड करे छि दुईटा सेम जेहेतु सब बाहु गुडी को समान दुईटा सर्वसम त्रिभुज माने ए डी सी कॉन्ग्रुएंट ए बी सी दुईटा को त्रिभुज सर्वसम अछि जदी आमे गोटे आमे फर्स्ट कोन करिबा ना एठी पूरा रोम्बस टी रो माने रोम्बस टी रो एरिया होछि 72 रूट 3 त हमको गोटिए गोटिए गोटे त्रिभुजर एरिया बाहर करने 72 रूट 3 बाई 2 करदे तार अधा हो तो ये आम मानकर बाहर करदे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी ए डी सी के 72 रूट 3 बाई 2 अधा हो जोटा कि आसीज के 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर अच्छा यार जदि एरिया अनुसार होगा 36 रूट 3 अच्छा यहाँ गोटे समबाहु त्रिभुज जेहेतु तीन टाक बाहु यार सामान ए डी सी तीन बाहुर दर्घ सामान अच्छी सो यहाँ गोटे समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया फॉर्मूला आम कौन पढ़ी इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया हूँ रूट 3 बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर रूट 3 बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर रूट 3 बाय 4 इंटू साइड साइड स्क्वायर जोटा इक्वल टू के 36 रूट 3 इसको आम सैड के बाहर करपरिया अच्छा रूट 3 बाई 4 मैंने सबको रईट सैड को नहीं गले सैड सैड्र स्क्वयर इक्वल टू आसी 36 रूट 3 इंटु 4 बै रूट 3 ये रूट 3 कैनसल होती तो सैड के पल सैडा होते 36 इंटु 4 रूट ओवर 36 इंटु 4 रूट ओवर करदे यहाँ आसीज 6 इंटु 2 इक्वल टू हूँ 12 सेंटीमीटर एटी तले गोटे साइड पाई गला हमें 12 सेंटीमीटर रोम्बस रे गोटे साइड रो दर्घ्य जदि 12 सेंटीमीटर हुए तेन तर पेरिमीटर माने परिसीमा परिसीमा केते चारटा साइड अछि फोर साइड तले ठी पेरिमीटर पेरिमीटर टा ठी केते हिजबो 12 इनटू 4 जोडा होचे 48 तो एठी हमर ऑप्शन बी रे हमर अछि 48 तो ऑप्शन बी होचे करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ने एठी देई छि ने सर्कल एठी सर्कल अछि सर्कल रे पी क्यू इज द डायमीटर पी क्यू डायमीटर ए बी इज ए कॉर्ड पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एट के इफ पी क्यू इक्वल टू 26 सेंटीमीटर के क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी इन सेंटीमीटर एटी गोटे आम नहीं गले सर्कल जी पी क्यू ये डायमीटर ये आम डायमीटर टा ड्र करदे जहाँटा को देदे ना हो पी क्यू नेक्स्ट देखिए ए बी इज ए कॉर्ड आमती कॉर्डटा कौ टाइप अच्छी ना पी क्यू टा परपेंडिकुलर अच्छी एबी को मैंने कॉर्डटा को परपेंडिकुलर मनकर एबीटा हूँ गोटे कॉर्ड अच्छे ए बी ए बीटा परपेंडिकुलर टू पी क्यू ताहले तापर देची कौन ना जो जगह इंटरसेक्ट करची ए बीटा पी क्यू जो जगह इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये दे देची के आट के देन देची कि जदि एठी पी क्यू रा लेंथ पी क्यू रा लेंथ जदि हुए पी क्यू रा देची केते 26 सेंटीमीटर देन तापर देची के क्यू रा लेंथ देची 8 पी क्यू दे 26 के क्यू दे 8 देन पचार व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी अच्छा आम ये यहाँ हमारा सेंटर यहाँ मन कर ओ या को आम एमती जॉइन करदे
ଏକୁ ଜଏନ୍ କରିଦେଲେ, ଏଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ପି କ୍ୟୁ ଯେହେତୁ ଟୋଟାଲ୍ଟା ହେଉଛି 26 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଇଠୁ ଓରୁ କ୍ୟୁ କେତେ ଆସିଯିବ, 26/2 ହେଇଯିବ। ଓ କ୍ୟୁ, ଓ କ୍ୟୁ ଲେନ୍ଥ କେତେ ଆସିଯିବ, ଓ କ୍ୟୁର ଲେନ୍ଥ ହେଇଯିବ 26/2 ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, 13। ଆଚ୍ଛା ଓ କ୍ୟୁ, ଏଠି ଆମର ଓ କ୍ୟୁ ହେଇଗଲା 13। ଓ କ୍ୟୁ ତାହେଲେ ଓ କ୍ୟୁଟା ହିଁ, ଓ କ୍ୟୁର ଲେନ୍ଥ ଯେତିକି, ରେଡ଼ିଅସ୍ ସେତିକି ଆସିଯିବ, ମାନେ ଓ ଏର ହେଇଯିବ ଏଠି କେତେ, ଓ ଏଟା ହେଇଯିବ ମଧ୍ୟ 13, ଓ ଏଟା ମଧ୍ୟ 13 ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି କେ କ୍ୟୁ ଆମର କେତେ ଦେଇଛି, କେ କ୍ୟୁଟା ଦେଇଛି 8, କେ କ୍ୟୁ ଏଠି ଦେଇଥିଲା 8, କେ କ୍ୟୁର ଲେନ୍ଥ ଯେହେତୁ 8 ଅଛି, ଏଠି ଓ କେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଓ କେ ତା ଟୋଟାଲ୍ଟା ହେଉଛି 13-8 ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଓ କ୍ୟୁଟା ହେଇଯିବ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏପଟ ସାଇଡ଼ଟା ହେଇଗଲା ଆମର 13 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ଏକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଏକେଟା ବାହାର କରିପାରିବା, ଏକେ ବାହାର କରିପାରିବା ଏକେଟା କାହିଁକି ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପାଇଥାଗୋରିୟମ୍ ଥିଓରମ୍ ଲଗେଇକି ତାର ଏଠି ଏକେର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା ହେବ, ଯେ କେତେ ଆସିବ ନା ଓଏଟା ଆମର ଏଚ୍ ଏଠି ଦେଇଛି 13^2 - ଏଠି ଓକେ, ଓକେ ହେଉଛି 5^2 ରୁଟ୍ ଓଭର୍, ଏଇଟା ହେଇଯିବ କାହାର ନା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଏ କେ ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କେତେ ହେଉଛି 13^2 - 69 - 25, ଏଇଟା ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍ ନେଇଗଲେ ଆସୁଛି 144 ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆସିବ 12। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଏ କେ ପାଇଲେ 12। ଆଚ୍ଛା ଏ କେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ, ଏ ବି ର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଛି, ଏଠି ଆମେ ଏ କେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ପାଇଗଲେ 12। ତାହେଲେ କେ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 12×2 ତାହେଲେ ଏ ବି ହେଇଯିବ କେତେ ନା, 12×2 ହୋଇଛି କହିଲୁ 24। ତାମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ନା, 3 ସର୍କଲ୍ସ ଇଚ୍ ଅଫ୍ ରେଡ଼ିଅସ୍ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଟଚ୍ ଇଚ୍ ଅଦର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି, ମାନେ ବହିସ୍ଥ ଭାବେ ତିନିଟା ଅଙ୍କ ସର୍କଲ୍ ପରସ୍ପରକୁ ଯଦି ଟଚ୍ କରିଥାନ୍ତି, ହାଓ ମଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଦ ସେକ୍ଟର ଇନ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର୍ ଇନକ୍ଲୁଜିଂ ଦ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଫର୍ମ ବାଇ ଜଏନିଂ ଦ ସେଣ୍ଟର୍ସ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ମାନେ ସବୁଯାକର ଯେଉଁ ସର୍କଲ୍ ଅଛି, ସର୍କଲ୍ ସବୁଯାକର ରେଡ଼ିଅସ୍ ସମାନ, ମାନେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ରେଡ଼ିଅସ୍ ସମାନ, ଏଠି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ଟଚ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଜଏନ୍ କରିଦେବା, ୟାର ରେଡ଼ିଅସ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜଏନ୍ କରିଦେବେ। ସେ କହିଛି ସେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାରିବ, ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଣ୍ଟର ସେଣ୍ଟରକୁ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଣ୍ଟର ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଏନ୍ କରିଦେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା, ମନେକର ଏଇଟାକୁ ନିଆଁ ଦେଇଦେବା ଏ, ଏଇଟା ଦେଇଦେବା ବି, ଏଇଟା ଦେଇଦେବା ସି, ଏଇଠୁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଫର୍ମ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି କହିଛି କି ଆମେ କାହା କ'ଣ ବାହାର କରିବା ନା, ଏରିଆ ଅଫ୍ ସେକ୍ଟର୍ସ ବାହାର କରିବା, ସେକ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା, ଏଇଠୁ ଏତିକି, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର, ଏଇଠୁ ଏତିକି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର। ଏଠି ମୁଁ ସାଇଡେଡ଼୍ କରିଦେଉଛି କି କାହାର ଏରିଆ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛି, ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠି ମୁଁ କଲର୍ ଏଇ ଯେଉଁ କଲର୍ରେ ସାଇଡେଡ଼୍ କରିଦେଲି କି ଏଇଟା ଏଇଟା ଏତିକି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର, ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ ଏ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଏ ବି ସି ଭିତରେ ମାନେ ଯେତିକି ଏରିଆ ରହିଲା, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇ ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର ଅଛି, ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଫର୍ମ ହେଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଥାର୍ଡ଼ ସର୍କଲ୍ ଏତିକି ଏରିଆ ଫର୍ମ ହେଇଛି, ତ ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ମୁଁ ସାଇଡେଡ଼୍ କଲି ସେତିକି ସାଇଡେଡ଼୍ ରିଜିଅନ୍ର ଆମକୁ ଏରିଆ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତ ଆମେ ସେକ୍ଟରର ଏରିଆ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ମାନେ ଏଠି ତ ଆମକୁ ରେଡ଼ିଅସ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲା, ରେଡ଼ିଅସ୍ ସେଠି କେତେ ଦେଇଛି 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଏଠି ଯଦି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ଟାରେ ଏଇଟା 7, ଏଇଟା 7, ଏଠି ବି 7, ଏଠି ବି 7, ଏଠି ବି 7, କାରଣ ସବୁଯାକ ଇକ୍ୱାଲ୍ ରେଡ଼ିଅସ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସବୁଯାକ ଏଇଆ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏବିର ଲେନ୍ଥ, ଏଠି ଏବିର ଲେନ୍ଥଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 7+7=14, କି ଏସିର ଲେନ୍ଥ ମଧ୍ୟ 7+7=14, ବିସିର ଲେନ୍ଥ ମଧ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ, 7+7=14, ମାନେ ତିନିଟାଙ୍କ ସାଇଡ଼ ଏଠି ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇଗଲା, ଏଠି ଯେଉଁ ଏବି ସେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଫର୍ମ ହେଇଛି ତିନିଟାଙ୍କ ସାଇଡ଼ ତାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇଗଲା, ଯଦି ଏଠି ତିନିଟାଙ୍କ ସାଇଡ଼ ଇକ୍ୱାଲ୍ ତାହେଲେ ଏ ବି ସି ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଇକ୍ୱିଲେଟ୍ରାଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଯାହାର କି ତିନିଟାଙ୍କ ସାଇଡ଼ ସମାନ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇକ୍ୱିଲେଟ୍ରାଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ତିନିଟାଙ୍କ କୋଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ, ତା'ମାନେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଇ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇ ଯେଉଁ କେତେ ହେବ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ସବୁଯାକ କୋଣ ଯେହେତୁ ସମାନ ହେବ 180/3, 180/3 କରିଦେଲେ ଆସିବ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଏଠି ଆମକୁ ଥିଟା ପାଇଗଲେ କେତେ, ଥିଟା ଏଠି ମିଳିଗଲା 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସର୍କଲରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସେକ୍ଟରର ଆମକୁ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଫର୍ମୁଲା ବାହାର ଏରିଆଟା ବାହାର କରିଦେଇକି ତା ଥରେ 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ତିନିଟାଙ୍କ ସେକ୍ଟରର ଏରିଆ ପାଇଯିବା। ଏଠି ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ପାଇଗଲେ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏରିଆ ଅଫ୍ ସେକ୍ଟର, ଏରିଆ ଅଫ୍ ସେକ୍ଟରର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି θ/360×πr²। πr² ଆର୍ ଇଜ୍ ଦ ରେଡ଼ିଅସ୍ ଅଫ୍ ଦି ସର୍କଲ୍, ତାହେଲେ ଥିଟା ଏଠି ଥିଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ପାଇଛନ୍ତି 60, ଦେନ୍
ताकि 360 इंटु पाए पाए जगार आम 22 बै 7 लिखिदे इंटु आर आर एटी के सेवेन दे तो सेवेन इंटु आर स्क्वायर से सेवेन इंटु सेवेन तो सेवेन सेवेन कैनसल होगा देन एटी जीरो जीरो कैनसल आसला सिक्स सिक्स को आम डायरेक्ट इंटु थ्री लिखिद कहीं आमको तीन टा एरिया बाहर तो सेमती बाहर करार अच्छे तीन थर तो इंटु थ्री करदे थ्री कुछ सिक्स सहित काटिदे आसगला टू टू कटे टू को 22 काटे इलेवेन इलेवेन इंटु सेवेन तेल 77 तेल टोटाल जी सैडेड रिजन अच्छी तार एरिया हूँ 77 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस दे दीजिए 3.5 सेंटीमीटर गोटे सेमी सर्कल नहीं गले अर्धवृत्त ता भितर कहे सब लार्जेस्ट ट्रायंगल एटी लार्जेस्ट ट्रायंगल गोटे ड्र कर लार्जेस्ट ट्रायंगल सब मन के ऑटोमेटिक कौन हो जाए 90 डिग्री राइट एंगल वाला ट्रायंगल हो जाए कि या भितर जो ड्र करदे सी कहते ये ट्रायंगलटा जब इंस्क्राइब करा सी कह व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल मैंने आमको ये ट्रायंगलटार एरिया बाहर करार अच्छी। अच्छा यहाँ हूँ यहाँ 3.5 जदि यहाँ रेडियस 3.5 हो जाए तो टोटाल डायमीटर के डायमीटर हो तार टू टाइम्स मीनस इंटु टू डायमीटर ये होगा 3.5 इंटु टू तमाने जो ट्रायंगल ये मनकर नेमिंग करदे ए बी सी तो ये बी सी एट आसगला 7 समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा जदि यार आम पढ़ी जदि एच एचटा हो जाए के एचटा जहाँ भी होती है सीट सामान बाहूगुड़िकर दैर्घ्य के एच बै रुट टू यहाँ पढ़ी थे सरी एच इंटु रुट टू एच इक्वाल टू पढ़ी ए इंटु रुट टू बा सामान सैड इंटु रुट टू तो ये ए आसीज एच बै रुट टू एच बै रुट टू मानने एच हूँ 7 सो ए आसीज 7 बै रुट टू 7 बै रुट टू ए दर्घ्य आस 7 बै रुट टू समूहणी समझ त्रिभुज आमर एरिया फर्मूला कौन थी हाफ इंटु प्रडक्ट अफ टू आडजस्टेंट सैड अफ रईट आंगेल ट्राएंगेल रईट आंगेल ट्राएंगेल दुटा आडजस्टेंट सैड्र मल्टीप्लिकेसन तम मैंने 7 बै रुट टू इंटु 7 बै रुट टू तो होगा यहाँ 7 आसीज 49 बै टू यहाँ आसीज टोटाल 4 तो 49 बै 4 को आम जब मिक्सड फ्राक्शन में लिखिदे ये आसीज 12 1 बै 4 तो ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 द सेंटर ऑफ द सर्कल ए बी सी इज ओ एंड ये सेंटर कही सर्कल के ना ओ तापर दे ओ ए बी सी इज ए रोम्बस एठी आमे एको यूज करी गोटे ए माने सेंटर रे गोटे गोटे वर्टेक्स माने रोम्बस रे गोटे वर्टेक्स ओ रे स्टार्ट हेछि त माने रोम्बस ता ए भलिया ही क्रिएट हबो एठी एमती कर देबा जॉइन एमती जॉइन कर देले एमती ही रोम्बस ता देखा जीवो एटा होची रोम्बस एटा ना दे द ओ ए बी सी ओ ए बी सी होची रोम्बस देन कहिछि इज द एरिया इफ तो एरिया ऑफ द रोम्बस इज 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर माने ए रोम्बस टी रो एरिया दे दीची 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ताहले कहूची ए सर्कल टी रो डायमीटर केते हबो। अच्छा आमे एठी जदि ओ बी को जॉइन करि दबा एटा होची गोटे डायगोनल माने ए रोम्बस पे गोटे डायगोनल हे जिवो। अच्छा एठी जेहेतु ए जो रोम्बस टा सर्कल भितर अच्छी अच्छा आमे जानते ए जो बी जो पॉइंट टा कहा उपरे माने सर्कल रो ए जो साइड उपरे माने साइड उपरे तार पोजीशन टा अच्छी सो एठे हमरो कोन हे जीवो सब गुड़िक गोटे गोटे रेडियस भाया देखा जाए ओ सी ओ बी आउ ओ ए मैंने सबूर लेंथ सामान होमें जानते मैंने कौन रम्बस रमती भी चारिपट साइड हूँ इक्वाल इन लेंथ तो ए बी तो सेम सी बी भी एरिया दे दीजिए एरिया अफ रम्बस दे दीजिए 2√3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये रम्बस टी एरिया जब 2√3 हो जाए तो या सेम पूर्वर आम जमी गोटे प्रोब्लेम करते कि रम्बस रि कौन दीटा डायगोनालटा दीटा इक्वाल ट्रायंगल रे कन्वर्ट करथिला एठी मध्य ओ बी टा ए दीटा को इक्वाल दीटा ट्रायंगल रे कन्वर्ट कर दोची तो एठी आमे ओ ए बी जो ट्रायंगलटा ओ ए बी ट्रायंगल ए ट्रायंगल टर एरिया केते आसीबो यार एरिया एरिया ऑफ ओ ए बी ट्रायंगल आसीबो 2√3 बाय 2 आधा हे जो जोटा की √3 सेंटीमीटर स्क्वायर माने ए ट्रायंगल रो एरिया होची √3 सेंटीमीटर स्क्वायर ताहले हमकू एटा मध्य गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल काहेकि ना सब जक साइड यार समान सब साइड समान हेले इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज हे जीवो
समभद्रिभुज एरिया फर्मूला कौन ना रूट थ्री बै फोर इंटु साइड स्क्वायर इंटु साइड स्क्वायर तो यहाँ इक्वल टू आम जानते के रूट थ्री कहीं यार एरिया दे बाहर करदे रूट थ्री एथ्रु आम साइड वैल्यू बाहर करमी ना साइड साइड के साइड होती रूट थ्री इंटु फोर बै रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री कैनसल साइड स्क्वायर इक्वल टू फोर तेल साइड साइड होगा टू फोर रूट हम हिज इक्वल टू टू सेंटीमीटर ये टू सेंटीमीटर होगा साइड मैंने सब साइड गुड़िक हूँ टू सेंटीमीटर ताल आमको कितना पचार रेडियस बाहरी गला टू रेडियस होगा टू डायमीटर केमिटर हो रहा टू टाइम्स टू इंटु टू इक्वल टू फोर तेल ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेन देती व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड दैट ऑफ ए स्क्वायर इफ देयर पेरिमीटर आर इक्वल कही गोटे ट्रायंगल अच्छे एंड गोटे स्क्वायर चतुर् मैंने कौन अच्छी सॉरी स्क्वायर अच्छी ये कही इक्विलेटरल ट्रायंगल है तीन टांग साइड समान यार आम जानते चारटा साइड लेंथ हूँ समान अच्छा ये कही मैंने दीटा क्षेत्र दीटा जो डायग्राम अच्छे दीटा एरिया हूँ समान मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल जी एरिया ऑफ स्क्वायर हूँ से सेम हुए दिजन भितर एरिया रेशियोटा के अच्छा आमको एरिया बाहर करने फास्ट आमको यार साइड जानवर अच्छे बट आमको ये कौन सी मैंने आम पेरीमीटरटा भी गिविन ना जेहेतु मनकर ये नहीं जा रहा पेरीमीटर हूँ मनकर एक सेंटीमीटर मनकर पेरीमीटर एक सेंटीमीटर मैं ट्रायंगल एबीसी भी एक सेंटीमीटर आउ स्क्वायर पी क्यू आर एस एरिया हो सॉरी पेरिमीटर हूँ एक सेंटीमीटर ट्रायंगल एबीसी रो एरिया जदि एक सेंटीमीटर हुए तार बाहूर दैर्घ्य मैंने तार लेंथ तीन टा साइड इक्वल हेले ये के थ्री इंटु साइड हूँ पेरिमीटर फर्मूला तेल ये यार लेंथ आम के मानते बै थ्री करद एक्स बै थ्री ये आम पाइबा एक्स बै थ्री हूँ यार साइड एक्स बै थ्री। नेक्स्ट स्क्वायर स्क्वायर रमी साइड के स्क्वायर पेरिमीटर हूँ फोर इंटु साइड तले साइड के ना पेरिमीटर बाय थ्री मीनस एक्स सॉरी पेरिमीटर बाय फोर कारण चार्टा साइड अच्छे एक्स बाय फोर ये आम बैले एक्स बाय फोर ये आम सब साइड इक्वल पाइले एक्स बाय फोर यार आमको मिलला लेंथ हूँ एक्स बाय थ्री तार मिलला एक्स बाय फोर देन आमको दुटा पेरी मैंने एरिया बाहर करके तार आमको कौन बाहर रेसीो बाहर करार अच्छे तो आम फास्ट नहीं गले ट्रायंगल ट्रायंगल एरिया 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 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज रूट थ्री बै फोर इंटु साइड रो स्क्वायर मीन्स एक्स बै थ्री रो स्क्वायर एक्स बै थ्री तो यहाँ के आसीगला है ना थ्रीटा रूट थ्री कटिगला टोटाल होगा एक्स स्क्वायर बै फोर आसो सरी सरी ये रूट थ्री को थ्री काटिले रूट थ्री रहिला आ गोटे थ्री अच्छी तमें ये आसो टोटाल एक्स स्क्वायर बै ये आसला थ्री इंटु फोर ट्वेल्व रूट थ्री आसला। नेक्स्ट आमको बाहर करवा स्क्वायर एरिया एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर एरिया हम साइड रो स्क्वायर मीन्स एक्स बाय फोर रो स्क्वायर व्हिच इक्वल टू आसो एक्स स्क्वायर बाय सिक्सटीन आसीगला ताल आमको रेशियो बाहर करार अच्छी रेशियो केमी बाहर करवा ना यार एरिया बाय तार एरिया डिवाइड करदे रेशियो रेशियो आस एक्स स्क्वायर बाय सिक्सटीन बाय करदे एक्स स्क्वायर बाय ट्वेल्व रूट थ्री जोटा हो एक्स स्क्वायर बाय सिक्सटीन इंटू उल्टे जीवन उल्टी गले ट्वेंटी ट्वेल्व रूट थ्री बाय एक्स स्क्वायर कटिगला यटा सॉल्व करदे आसी जाते ये थ्री फोर काटिले थ्री ये आसी जाती थ्री रूट थ्री बाय फोर यहाँ आसीगला थ्री रूट थ्री बाय फोर थ्री रूट थ्री बाय फोर तेल ऑप्शन सी रे हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट को
क्वेश्चन नंबर 8 रे देची ई इज पॉइंट ऑन बीसी ऑफ ए रेक्टेंगुलर एबीसीडी इफ ए देची 25 सेंटीमीटर डी देची 26 सेंटीमीटर एफ डी इक्वल टू 17 सेंटीमीटर व्हाट इज द लेंथ ऑफ एबी इन सेंटीमीटर हमको एबी रो एठी लेंथ रा पछेर छि आउ दे देची इठी ई इज पॉइंट ऑन बीसी माने कर ई एठी ओडे पॉइंट हला ई देन कहिछि ए ई ए जॉइन कर दियो सेटा दे दीजिए 25 सेंटीमीटर देन डीई डीई दीजिए 26 सेंटीमीटर 25 देन डी दीजिए एटा दीजिए 20 ए दीजिए 25 सेंटीमीटर डी दीजिए तमरा 26 सेंटीमीटर 20 एडी एडी हमको दीजिए 17 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर देन हमको यार लेंथ बाहर करिवार अछि हमें कौन करवा आम तेल बीसी बीसी रो सेवेन्टीन सेन्टीमिटर बीसीटा सेवेन्टीन हो कहीं येटा एडी इक्वल टू बीसी हूँ नेक्स्ट आम कौन करवा ना आम बाहर करवा कौन ना ये जो ट्रायंगलटा ये सब यहाँ जेहेतु आमर गोटे ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ना आम जानते रेक्टेंगल सब जो कोण गुड़िक कौन हुए 90 डिग्री हूँ ये जो दीटा ट्रायंगल क्रिएट हो ए बी ई हो कि डी ई सी हो दीटा ट्रायंगल हूँ कौन दीटा ट्रायंगल गुड़िक हूँ राइट एंगल ट्रायंगल ताले एठी आमे जानी ए बी इक्वल टू डी सी ए बी इक्वल टू डी सी ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू एक्स नहीं एठी आमको तार भैल्यूटा बाहर करिवार अछि एठी मन्ने कर आमे ई जो ई सी देछि ताको मन्ने कर जदि वाई नै जिबा याको जदि वाई धरा होले लेट नै गले लेट एठी ई सी टाको मन्ने कर वाई नै गले जदि ई सी वाई होए बी सी एठी बी सॉरी बी ई बी केते हि जिबो बी टोटालटा जानते टोटालटा 17 मैंने 17 सेंटीमीटर तेल यहाँ हो 17 माइनस वाई हो बी अच्छा तो आम एबी एबी जगह आम के लिखिपर एबी एबिटा के एबी हूँ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ओवर यह हूँ फर्मूला ए मैंने 25 स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर बी के 17 माइनस वाई स्क्वायर रूट ओवर इक्वल टू डी सी डी सी वैल्यूट के बाहर डी सी इक्वल टू हो 26 स्क्वायर माइनस ई वाईटा ये सॉरी ई सी टा नहीं वाई रूट ओवर अच्छा दीटा यहाँ इक्वल टू यहाँ बोथ साइड जो स्क्वायरिंग बोथ साइड करदे ये रूट ओवर टा उठी जब तेल 25 स्क्वायर आसीगला के 625 माइनस 17 माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 26 स्क्वायर हो 676 माइनस वाई स्क्वायर तापर यहाँ को खोली देले खोलीदेपर 625 माइनस ये 17 स्क्वायर प्लस प्लस पूर्व माइनस अच्छे माइनस हो वाई स्क्वायर तापर प्लस हो 34 वाई इक्वल टू 676 माइनस वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर टा कैनसल हो गला देन या सल्व करदे वाई को रखिकी बाकी सब को सेपट को यदि नहीं जावा ये रोर वाई इक्वल टू 676 माइनस 625 तापर माइनस 17 स्क्वायर राइट साइड कर प्लस 17 स्क्वायर हो प्लस 17 स्क्वायर यहाँ हो प्लस 17 स्क्वायर नेक्स्ट 17 स्क्वायर हो 289 एटा को माइनस कले आस 51 प्लस 289 इक्वल टू हो 340 तो वाई वाई हो 340 बाई 34 इक्वल टू 10 वाई बाहरी गला आम 10 एटी वाई 10 हो गले सी मैंने इसी आम इसी बाहरी गला हूँ 10 इसी बाहरी गले 10 बी के 17 माइनस 10 तेल बी दैर्घ्य हो 17 माइनस 10 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर तापर आमको बाहर करिवार दे एबी एबिटा आम जानते के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ओवर मैंने 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर रूट ओवर जोटा कि 625 माइनस 49 रूट ओवर यहाँ हो 576 576 रूट ओवर विच इक्वल टू 24 तमें ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इन द गिवन फिगर ए ओ बी एंगल दे 90 डिग्री एंड एडी इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट सी एडी इंटरसेक्ट एट सर्कल सी तापर सी कहे व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल बी सी डी
गोटे मिनिट भी लगे सॉल्व करने यहाँ हूँ क्वेश्चन टा दे कौन ना यहाँ आम बी सी डी आंगेल ये जो आंगेल ये आंगेलटार दर्घ्य मैंने सरी आंगेलटार मेजरमेंट आमको पचार तो ये आम गोटे प्रपर्टी पढ़ी सर्कल यही जदि ड्र होता है यहाँ ये आंगेलटर जहाँ भी मेजरमेंट 90 डिग्री तो यही आंगेलटी तार जस्ट अधा हो जाए अधा हो गए ये के 90 ये 45 मानने ए सी बी ए सी बी आंगेलटा हो 90/2 मानने 45 डिग्री 45 डिग्री अच्छा आमको पचार बी सी डी ए आंगेलटार भैल्यू आमको पचार अच्छा आम जानते यहाँ टोटालटा हो जो टोटालटा कौनटा के टोटाल हूँ गोटे लाइन उपर अच्छे सो यहाँ हूँ 180 डिग्री 180 डिग्री रू आम जदि यही भितर आंगेलटा को माइनस कर दिखते बी सी डी आंगेल पाई तेज़े बी सी डी ये बी सी डी के ना 180 माइनस करदे के 45 180 माइनस 45 करदे आमर आस 135 तार मैंने ऑप्शन बी हूँ ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल सी बी डी एंगल इक्वल टू 40 डिग्री एंड एस सी ए डी सी एंगल विल बी मैंने एस सी डी आंगेलटा ये पचार सी बी डी दे दे सी बी डी दे दे आम 40 डिग्री अच्छा आम जानते ये जो वृत्तर यहाँ जदि आम सेमी सर्कल हुए सेमी सर्कल आम जो ट्रायंगल ड्र करते तार आंगेल गुड़िक के 90 डिग्री हुए एंड समकोण ही होता है अच्छा ये जो क्वाड्रिलेटरल ले ए कोणटा टोटल के 90 प्लस 40 कल के 130 मैंने ए बी सी ए बी सी ए बी सी आंगेल इक्वाल टू 130 डिग्री 130 डिग्री आम जानते गोटे सरी कौन क्वाड्रिलेटरल जदि आम मानने गोटे सर्कल भितर ड्र हो तार अपोजिट अपोजिट आंगेल ये दुटा आंगेलर आडिशन हूँ 180 डिग्री ए बी सी प्लस ए डी सी ए डी सी इक्वाल टू 180 डिग्री सो आमको ए डी सी आंगेल ये पचार तो ए डी सी भैल्यू के 180 माइनस 130 विच इक्वाल टू 50 मैंने ऑप्शन डीटा हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दे पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज 64 सेंटीमीटर एटी सेक्टर रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर पेरीमीटरटा गिवेन अच्छे 64 सेंटीमीटर ए सेक्टर पेरीमीटर दे। नेक्स्ट आमको ये डिग्रीटा बाहर करार अच्छे ए आर्क जो सेंट्रल लेंथ जो सरी ये जो आंगेलटा क्रिएट हो आंगेलटार मेजरमेंटा बाहर करने को पचार अच्छा ये सेक्टर से जो आंगेल बाहर करने पेरीमीटर आमको गिवन अच्छे आमको ये कौन करने को पड़ा फास्ट ना पेरीमीटर फर्मूला आम कौन जानते ना पेरीमीटरटा हूँ पेरीमीटरटा दे 64 पेरीमीटर फर्मूला अच्छे थीटा वाई 360 इंटू 2πr मीनस लेंथ ऑफ एल जो आर्क ए आर्क लेंथ एल बाहर करवा प्लस प्लस रेडियस दुटा को आड करवा 2r इक्वल टू हो पेरीमीटर ऑफ ओ ए बी सेक्टर तो यहाँ आसगला के 64 तो ये थीटा मैंने सेंट्रल एंगल ये तो आमको अनोन अच्छे तो सहीटा बाहर थीटा रखीदे 360 डिग्री इंटू 2ππ जगार आम पुट करदे 22/7 नेक्स्ट आर ये आमको रेडियस दे दीजिए 21 प्लस 2r तो 2 × 2 × 21 इक्वल टू देखिए 64 या जब सॉल्व कर यहाँ को राइट साइड को फास्ट नहीं जातु राइट साइड को नहीं गले ये आसटा वाई 360 इंटू यहाँ 7टा कैनसल करदे 7 × 3 तो आसा 2 × 22 × 3 इक्वाल टू 64 माइनस ये 64 माइनस 2 × 21 2 × 21 टू 42 हुई इक्वल टू 22 तो थीटा ये आसीज 22 × 360 बाकी गुड़ाक तले डिवाइड 2 × 22 × 3 कैनसल 3 कैनसल कले 1 × 2 × 0 यहाँ आसीज 60 डिग्री तो मैंने ये आमर सेंट्रल आंगेल सेंट्रल आंगेलटा आमर आसीगला सेंट्रल आंगेलटा आसीगला 60 डिग्री
ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दे छि इन ए सर्कल द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर. एठी ए बी रा लेंथ दे छि 8 सेंटीमीटर एंड इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. देन डायमीटर ऑफ द सर्कल इज डायमीटर सर्कल पचर छि एठी कहै छि द डिस्टेंस माने ए जो कॉर्ड रा डिस्टेंस सेंटर थरो 3 सेंटीमीटर. आमे जान छन डिस्टेंस ता सब पहिले कहै कोन नि हेतिबे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नि हेते परपेंडिकुलर डिस्टेंस हेतिबो माने ए टू एठी डिस्टेंस हो छि 3 सेंटीमीटर. एठी हमकु एटा धर जॉइन कर देले एटा जॉइन कर देले एटा बट हम ट्रायंगल फॉर्मेट को पळे आसे तो ट्रायंगल एरिया सॉरी ट्रायंगल हम जानछन ट्रायंगल एटा राइट एंगल ट्रायंगल तो याको यूज करके हम बाहर कर दे परिबा तार रेडियस. अच्छा एठी हमरो ए टू ए बीटा होची 8 सेंटीमीटर तार यार आधा माने ए जो परपेंडिकुलर सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल जो क्रिएटर तार बेस बेसटा हो बी हाफ मीन्स तार बेस एटी बी टा बाहर 8/2 व्हिच इक्वल टू के 4 हो बेस आउ ओ माने एठू एतिकर डिस्टेंस हो 3 सेंटीमीटर. देन आमको ओ बी बाहर करार अच्छी ओ बी इक्वल टू आसी 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर रूट ओवर व्हिच इक्वल टू के 25 रूट ओवर इक्वल टू 5 ओ बी आसीगला 5. अच्छा ओ बीटा हूँ रेडियस ऑफ द सर्कल सो ये तो डायमीटर पचार डी डीटा हो रेडियस 2r - 2 × 5 व्हिच इक्वल टू हो 10 मैंने ऑप्शन डी तमें ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दे इट साइड ऑफ ए रोम्बस इज 8 सेंटीमीटर वन ऑफ द एंगल इज 60 डिग्री देन इट्स एरिया. अच्छा एठी एरिया पचार रोम्बस रो जदि एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज 60 डिग्री 60 डिग्री दे गोटे आंगेल दे दीजिए 60 डिग्री तो ये हमको आम कौन कर सैड गुड़ी इक्वाल आ सैड दे दीजिए 8 सेंटीमीटर. अच्छा यहाँ ये तो आंगेलटा 60 डिग्री होगा आ दुटा सैड इक्वाल तो ये दुटा आंगेल इक्वाल होम अलरेडी पढ़ी जदि गोटे त्रिभुजर दुटा बाहू सामान थाए तार सम्मुखीन कोण मेजरमेंट सामान हो एठी जेहेतु एठी मन कर डी कोण जदि 60 डिग्री है तेल ए दुटा कोण इक्वाल आ दुटा कोण मिसले के टोटाल आमर तीन टा कोण एडिशन हो 180 डिग्री 180 डिग्री रु 60 डिग्री माइनस करदे टोटाल आउ पड़ी 160 डिग्री जेहेतु ए दुटा मेजरमेंट इक्वाल तेल 120 डिग्री 120 डिग्री बै 2 करदे मैंने आंगेल भाग 120 डिग्री बै 2 हो 60 डिग्री ते ये 60 डिग्री ये 60 डिग्री मैंने यहाँ गोटे पलै आसा टोटाल मानने इक्विलेटरल ट्रायंगल पलै आस इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल तीन भाव सामान तार आम एरिया फर्मुला अलरेडी जानते के रूट 3/4 × sin² यहाँ आम बहुत थर यूज कले फर्मुलाटी तेज़ √3/4 √3/4 × एटी सैड हूँ 8 तो 8 स्क्वायर 8 4 ये कैनसल कले आसा 2 तमें ये आस 18 × 2 16√3 होगा ये गोटे ट्रायंगल मैंने एडिस एरिया हूँ 16√3 आउ यदि पूरा रम्बस भाग कर दिगुण हो कहीं ट्रायंगल इक्वल टू मैंने ए ट्रायंगल एरिया इक्वल टू ए ट्रायंगल कहीं बोथ आर कॉन्ग्रुएंट. अच्छा तेल एरिया अफ रम्बस एरिया अफ रम्बस के एरिया अफ रम्बस हो 16√3 × 2 जोटा कि हूँ 32√3 ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 14 एरिया अफ ट्रायंगल ए बी 56 सेंटीमीटर डी ई एफ आर द मिड पॉइंट अफ ए बी बी सी एंड सी ए रेस्पेक्टिवली एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल डी सी डी सी ई सी एफ. अच्छा ये आम ट्रायंगल दे दीजिए आउ तीन टा मिड पॉइंट दे दीजिए मैंने सब साइड गोटे गोटे मिड पॉइंट दे दीजिए डी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी रा मिड पॉइंट रहला डी देन ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी देन ए सी सॉरी एफ एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी बा सी ए एफ देन आम कौन करवा ना यहाँ को जॉइन करदे डी एफ याको जॉइन कर दबा जॉइन कर देले एठी हमर कौन पाइछंती ना एगुडा को डीटा होची मिड पॉइंट ये होची मिड पॉइंट ये होची आरा मिड पॉइंट
नेक्स्ट देखो आम गोटे ट्रायंगल ले गोटे प्रॉपर्टी टे पढ़ी थी कौन ना ये जदि एटा एटा यार मानने डीटा एबी मिड पॉइंट हुए एफटा यार मिड पॉइंट हुए तो डीएफ डी आउ ए थर्ड मानने बीसी बीसी सहित पारालाल एंड डीएफटा बीई रधा हो डीएफटा बीई रधा हो मैंने तार लेफ्टा बीई रधा हो मैंने इटि जेहेतु ईटा यार मध्यबिंदु तमाने बीई जी डीएफ मध्य सेटा जी एटा मध्य डीएफटा मध्य नेक्स्ट से हीपरी आम आउ गोटे सैड को कनसीडर कर इफ जो धरले इटि एफ्टा एसी रिंदु इटा बीसी रिंदु ता मैंने इएफ्टा एबी रही पारालाल एंड हाफ अफ एबी हाफ अफ एबी तो डी जदि ये मध्यबिंदु होगा तेल एटी एडीटा इक्वाल टू हो इफ सहित मैंने इार लेंथ जी इएफ रेन्थ हो सिमिलरली ठी डीईटा मध्य सेम हो सहित किंबा या सहित तेरु आम जापारे कि जो ये जो ट्रायंगल गुड़िक क्रिएट हो सब ट्रायंगल गुड़िक हूँ कंग्रुएंट माने ये ए डी सी देख यार तीन बाहूटा जहाँ यार बाहूगुड़िकर जहाँ भी अच्छी लेंथ ए जो डी एफ या सहित कनग्रेट हो कारण यार ये बाहू डी एफ्टा कमन बाहर है ए बाहूटा यह बाहू सहित सामान ए बाहूटा ये बाहू सहित सामान तो मैंने ये सहित कनग्रेट हो ट्रांगल डी एफ ट्रांगलटा ये ए डी एफ सहित कनग्रेट होगा कनग्रेट दीटा कनग्रेट होगा तो मैंने कनग्रेट होगा दीटा एरिया सामान सेपरी एटी सबूक ट्रांगल एरिया हूँ सामान सब ट्रायंगल एरिया जो सामान आसीगला ता मैंने ये आम टोटाल चार ट्रायंगल अच्छी कही कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो एबीसी एटी एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एबीसी दे दे के 56 सेंटीमीटर स्क्वायर 56 सेंटीमीटर स्क्वायर अच्छे ताल एर मोर गुड मैंने सबूक ट्रायंगल जो कनकुरेन्ट जेकोसी गोटे ट्रायंगल धरवा तार एरिया के गोटे ट्रायंगल एरिया हो 56 बाय 4 जोटा कि हम के 56 बाय 4 एटा आस 14 हो। नेक्स्ट आम को ये पचार एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को क्वाड्रिलेटरल ना डी डी सी सॉरी डी ई सी एफ आमको यही क्वाड्रिलेटरल एरिया पचार क्वाड्रिलेटरल एरिया पचार अच्छा यही क्वाड्रिलेटरल दुईटा ट्रायंगल अच्छा दुईटा ट्रायंगल ता भितर रोचंती जदि आम से दुईटा ट्रायंगल एरिया जान जाव ताले डी ई सी एफ जो क्वाड्रिलेटरल एरिया बाहर कर परिबा अच्छा यार गोटे गोटे क्वाड्रिलेटरल सॉरी गोटे ट्रायंगल एरिया होजे 14 तो दुईटा ट्रायंगल एरिया केते हि जीवो ताले डी ई सी एफ यार एरिया 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 के ना दुटा ट्रायंगल सो 14 इंटू 2 है इच्र 14 ना यार 14 यार 14 14 इंटू 2 जोटा भी हूँ 28 ता मैंने ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 ने गोटे देखिए इन द फिगर बिलो ए पारालाल ग्राम इज ड्रॉन इन ए ट्रापिजियम द एरिया पारालाल ग्राम इज 80 स्क्वायर फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रापिजियम एट जो पारालाल ग्रामटा ड्र होती यार एरिया को होची 80 सेंटीमीटर आम जानते पारालाल ग्राम एरिया एरिया फर्मुला हूँ बेस इंटू हाइट अच्छा ये जदि आम यार पारालाल ग्राम एरिया पकईदे 8 इंटू बेस ये बेस इंटू हाइट हाइट तो ये बेस के बेसटा आम 10 सेंटीमीटर ये 10 है क्या पारालाल ग्राम मैंने यहाँ आसे तो निहती भाव यार लेंथ इक्वल टू यहाँ थी तो ये 10 इंटू हाइट हाइट हाइटा के पाइले ना हाइट इक्वल टू पाईगले 8 by 10 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हाइट पाइले 8 सेंटीमीटर 10 आमको ट्रापिजियम एरिया पचार अच्छा हाइट हाइट माने ये ट्रापिजियम एरिया फर्मुला में जानते कौन ना हाफ ट्रापिजियम एरिया ट्रापिजियम एरिया फर्मुला होची हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स माने जो दुटा पैरेलल साइड्स अच्छे तार सम ये गोटे पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर प्लस आउ गोटे अच्छे 22 सेंटीमीटर इंटू इंटू द हाइट हाइट मैंने पैरेलल ग्राम हाइट यार हाइट के बाहर ये आम पाईगले 8 सेंटीमीटर तो ये 8 पुट करदे तो आसाला टोटाल के 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट में आम
आमे कौन करवा ना एरिया ऑफ सेगमेंट रो फॉर्मूला सेगमेंट तो पूर्व डेफिनेशन रे कही थी तो एठे हमर गोटे क्वेश्चन है जोटा सेगमेंट रिलेटेड सो आमे ता पूर्व सेगमेंट रो एरिया ता केमिति बाहरिबो सेटा पढ़ीबा। अच्छा एठे सेक्टर दे दीची एठे एरिया ऑफ सेक्टर ता आमे ऑलरेडी यूज भी करके प्रॉब्लम भी करी छंती आ एठे भी लिखि दीची सेक्टर फॉर्मूला कोन ना थीटा बाय 360 बाय पाई आर स्क्वायर एठे थीटा ता होची ए से माने एठे पूरा सेंट्रल माने गोटे सर्कल पूरा एंगल ता जो सेंट्रल जो एंगल क्रिएट जो 360 डिग्री तो ये जो सेक्टर रहे थी जो इटा अपने आ जाए थीटा थीटा ये एरिया ऑफ तले एरिया ऑफ सेक्टर सेक्टर कोटा ना ओ ए एक्स बी माने एटा एटा पूरा टा हो जे सेक्टर तो तार एरिया हो जे थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। तो नेक्स्ट है हमर एरिया ऑफ सेगमेंट एते सेगमेंट टा जानिबा पई इमेटी शेडेड कर दी छी एते जो कलर रे शेडेड कर दी छी ए एक्स बी ए जो शेडेड रीजन टा एटा ही हो जे सेक्टर आ एते दीट गोटे वृत्त रे कहिथिले दीटा सेक्टर सॉरी एटा जे सेगमेंट माने गोटे वृत्त रे दीटा सेगमेंट रहबे गोटे माइनर सेगमेंट गोटे मेजर सेगमेंट तो एठी एटा हो जे माइनर सेगमेंट यार अपोजिट साइड रे जहा रहला माने ए टू एते पर्यंत सेटा ही हो जे हमरा मेजर सेगमेंट तो एठी एरिया ऑफ सेगमेंट जदि ए सेगमेंट रे एरिया पचार थाय तको केमती बाहर करि परबा आमे एरिया ऑफ सेक्टर रे फार्मूला जानि छंती सेक्टर ता होची ए भले जो एटा सेक्टर से होची सेक्टर तो सेक्टर रे फार्मूला जानि छंती तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जदि एटा जदि को टाइप रे ट्रायंगल ट्रायंगल रो हमर रेडियस रेडियस दे दिथिबो एंड माने सेंट्रल एंगल ता भी दे दिथिबो तले आमे एठी ओ ए बी जो ट्रायंगल ता क्रिएट होची तार एरिया बाहर करि परबा आ पूरा सेक्टर रो ट्रायंगल एरिया ता को माइनस कर देले जो रीजन ता आसी सी हूँ आम सेगमेंट सेगमेंट रेरिया सेमती बाहरी तार अपोजिटा हूँ आम मेजर सेगमेंट यहीपटा हूँ आम मेजर सेगमेंट तो मेजर सेगमेंट रो जदि एरिया पचारि थी मैंने नेक्स्ट जो क्वेश्चन अच्छे से ही पचार तो से रिलेटेड फर्स्ट कहीदे कि मेजर सेगमेंट केमी बाहर करवा आम जो पूरा वृत्तर एरिया माइनर सेगमेंट रियाटा को माइनस करदे बाकी जोटा रहीगला से मेजर सेगमेंट एरिया तो देखा केमी आम बाहर कर क्वेश्चन नंबर 16 होची नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देची इफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 28। अच्छा एठी गोटे सर्कल दे दीची सर्कल रो रेडियस होची 28 मेक एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर एठी कहो छी गोटे कॉर्ड अछि जे के सेंटर रे 90 डिग्री एंगल करी छी ताहले से कहो छी एठी ताले ए टाइप रो वृत्त रे एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ता केते आसीबो तो फर्स्ट हमें से भला ड्रा करबा तार पिक्चर ता कोन हे पारे तो ये टाइप कहीं ना से कही ना सेन्टर के 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर कॉर्डटा तो यहाँ हूँ कॉर्ड तो आम नेमिंग करदे ओ ए बी यटा को देदे एक्स ये देदे वाई मीनस एटी ए बी एक्स यहाँ हूँ माइनर सेगमेंट यहाँ हूँ ए रिजनटा हूँ आम माइनर सेगमेंट एटा हूँ आम माइनर सेगमेंट तर ए वाई बी एटा हूँ आम मेजर सेगमेंट तो यार भी एरिया बाहर करने को पड़ो। नेक्स्ट नेक्स्ट आम केमती बाहर करवा तो फास्ट आम कौन कले ना कॉर्ड दे जो आम एटी आम रेडियस दे दीजिए 28 रेडियस 28 दे दीजिए सो एठी आम ए जो सेक्टर रो एरिया में बाहर कर पारिबा ओ ए बी एक्स एठी ओ ए बी एक्स एठी ए सेक्टर सेक्टर एरिया सेक्टर रो एरिया केते आसीबो एरिया फार्मूला जे थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर तो एक जगह रे वैल्यू पके दो थीटा एठी होची 90 डिग्री बाय 360 पाई जगह रे पकेले 22 बाय 7 आर जगह रे पकेले 28 स्क्वायर अछि तो दिथर लिखि देले एको जदि हमें सॉल्व करचंती एडा सब कैंसिल कर दो 7 कटि गेला एठी 4 9 कटि गेले 4 ए 4 कटि गेला 22 इनटू 28 व्हिच इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एठी ओ ए एक्स ए सॉरी ओ ए एक्स बी ये सेक्टर रो एरिया फॉर्मूला बाहरी गला सॉरी एरिया केते बाहरला ना 616। नेक्स्ट आमे ओ ए बी जो ट्रायंगल अछि एटा राइट एंगल ट्रायंगल अछि से राइट एंगल ट्रायंगल आमे एरिया बाहर करि परिबा तो एठी नेक्स्ट रे ओ ए बी ट्रायंगल रो एरिया एरिया हैला केते ना हाफ इनटू सम ऑफ साइड सम ऑफ
two sides, sorry, product of adjacent sides of right angle triangle, right angle, ये हिजबो adjacent side, इटा 28, ये भी 28 का देता हूँ radius, तो 28 into 28, इटा कहते हैं 2 रे ठी cancel कर दिले, ऐसा ची 14, इटा हिजबो area टा 392 centimeter square, तो ये ठी minor segment रो area, माइनर सेगमेंट रो एरिया टा केते पड़े आसीबो ना एठी आसला एई तारा पूरा तारा आमी पूरा तारा एरिया पाइ छंती 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आउ एठी ओएबी ओएबी रो आमी एरिया पाइले ओएबी रो एरिया पाइले 392 ओएबी रो एरिया पाइ छले 392 माने एई रीजन टा रो एरिया पाइ छंती आमी पाइ छंती केते ना 392 ता माने एथि हमरो ए जो एटा छि माइनस सेगमेंट रो एरिया जे टोटल रो एटा को माइनस कर दो माइनस कर देले 616 - 392 एटा केते आसी गेले एटा आसी 224 सेंटीमीटर स्क्वायर त माइनर टा एति कि अच्छा देन हमहु किंतु पचर छि गणना मेजर सेगमेंट रो एरिया पचर छि त हमे पूरा सर्कल फर्स्ट एरिया भर कर देबा एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल जानछनी केतना पाई आर स्क्वायर पाई 22 बाय 7 आर स्क्वायर है 28 इनटू 28 केते आसीबो एटा काट देले 4 मल्टीप्लिकेशन करले आसी 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर एटा होछ एरिया ऑफ सर्कल देन हमहु तहले हमहु मेजर सेगमेंट रो एरिया भाग रे मेजर सेगमेंट हे जइबो ए बटा ए वाई बी ए पूराटा होछ हमर मेजर सेगमेंट मो एठी टिके लिखे दूँ कि कौटा ना ए रीजन टा यहाँ हूँ आमर ए रेड कलर रे जोटा मु पूरा सेडेड करा हूँ आमर मेजर सेगमेंट तो मेजर सेगमेंट रो एरिया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट केते आसबे ना पूरा सर्कल एरिया रु आमे जदी माइनर सेगमेंट रो एरिया टा को माइनस कर देबा नेन हमर पूरा मेजर सेगमेंट रो एरिया भाज 2464 माइनस 224 व्हिच इक्वल टू 2240 तेठे हमे ऑप्शन डी रे अछि 2240 तो ऑप्शन डी होछि करेक्ट आंसर एटा होछि मेजर सेगमेंट रो एरिया तो आज हमे जहां भी माने जहां तहां पढ़थिले ज्योमेट्री रे जो जो सब फिगर विषय रे पढ़थिले तारो एरिया सब एरिया पेरिमीटर तार रिलेटेड जहां भी मेंशनेशन प्रॉब्लम अछि तो से सब थरो केछि केछि विषय जानिले थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेरीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड गुड बाय।